हाय गाइस, मैं मेहुल जैन स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपसे 20 मज़ेदार पहेलियां पूछी जाएगी, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मस्त न्यूज़ बता देता हूं। हमारी जो पहेलियां की ई बुक है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जो मैंने खुद ही लिखी है, सारी पहेलियाँ मस्त है एकदम, जो आप हमारे चैनल पर देखते हैं वो भी है और न्यू भी है, मतलब नई पहेलियाँ भी आपको मिलेगी। और ये पहेली में आपको अब ऑफ़र मिल रहा है, मतलब अगले 3 दिनों के लिए, मतलब आज 3 तारीख है, 3, 4 और 5 तारीख के लिए इसमें 100 रुपये की आती है, लेकिन अब आपको ये ओनली 3 दिनों के लिए 30 रुपये की ही मिलेगी। इसका रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पहेली की ई बुक को ख़रीदें और लुत्फ़ उठाएँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ख़रीदिएगा। पहली पहेली देखते हैं। वह क्या है जो वर्ष में एक बार और रविवार में 2 बार आता है? वह है वह शब्द जो रविवार में 2 बार और वर्ष में 1 बार आता है। दूसरी पहेली, वह क्या है जो हमारे पास ही होता है, हम उसे देख सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते हैं? वह चीज़ है परछाई। एकदम सिंपल पहेली थी। तीसरी पहेली, जब भी आए होश उड़ाए फिर भी कहते हैं कि आए, बताओ क्या चीज़ है ये? वह चीज़ है नींद। थोड़ी डिफिकल्टी, कम ही लोग सही जवाब बता पाए होंगे। चौथी पहेली, वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं होती है? वह फूल है अप्रैल फूल। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि आप सोच रहे होंगे कई लोग कि पहेली की जो हमारी ई बुक है कि इतनी सस्ती क्यों दे रहे हैं। उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ख़रीदें और लुत्फ उठाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को पहेली लवर्स देखते हैं, पहेलियाँ जो पसंद करते हैं वो देखते हैं, तो उनके लिए ही है ये बुक स्पेशली। जो पहेली पसंद नहीं करते देखना तो रहने दे सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है ख़रीदना उनके लिए, पर जो लवर्स हैं उनके लिए ही है। कूपन कोड भी है आई लव पहेली, ये आपको कूपन कोड डालना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है, देखिएगा और ज़रूर से बताइएगा आपको कैसी लगी। पांचवी पहेली, इसमें आपको स्वीट का नाम गैस करना है इमोजीज को देखते हुए। पेड़ प्लस ए इजिकल टू पेड़ा। छठी पहेली, आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने इस प्रकार है, वह क्या है जो खाने से पहले नहीं दिखती है? बिल्कुल सिंपल जवाब, ठोकर। ठोकर खाने से पहले नहीं दिखेगी, बाद में नजर आ जाएगी। सातवीं पहेली, वह कौन है जो गूंगा और बहरा है लेकिन हमेशा सच ही बोलता है? वह चीज़ है आईना, मिरर, कांच। आठवीं पहेली, अगर आप अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिए के साथ हैं तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? ना आप मोमबत्ती, ना दिया, ना लालटेन जला सकते हैं जब तक आप माचिस ना जलाएं, इसलिए सबसे पहले आप माचिस जलाएंगे। अगली पहेली, खुद कभी वह कुछ ना खाए लेकिन सबको खूब खिलाए, बताइए कौन हूं मैं? वह चीज़ है चम्मच, इसके अलावा प्लेट भी हो सकती है। अब इस इमोजीज को देखते हुए आपको फूड का नाम, खाने की चीज़ का नाम गैस करना है। थोड़ा मुश्किल सवाल है भैया। एफ प्लस रन प्लस की इजिकल टू फ्रेंकी। किस किस को पसंद है फ्रेंकी खाना, कमेंट में ज़रूर से बताएं।
एक राजा की अनोखी रानी तुम के सहारे पीती पानी। सजावट दीपक। भारी पहेली है। एक पहेली मैं बुझाऊं, सिर को काट नमक छिड़काऊं, बताइए क्या चीज है ये। वह चीज है खीरा, कुकुम्बर। अगली पहेली है खड़ा पर भी खड़ा, बैठने पर भी खड़ा। बड़ी फनी पहेली लग रही है, पहली बार ही सुन रहा हूं मैं भी। खड़ा पर भी खड़ा, बैठने पर भी खड़ा। वह चीज है सींग, गाय के सींग, भैंस के सींग। अगली पहेली है भैया, वह क्या है जो पंखों से भी हल्का है पर शक्तिशाली इंसान भी उसे 2 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकता है। वह चीज है सांस, ऑक्सीजन, जो कि एक इंसान 2 मिनट से ज्यादा रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, रिकॉर्ड ही बन जाएगा अगर रोक लेता है तो। 15वीं पहेली है कहाँ पर शुक्रवार गुरुवार से पहले आता है। वह जगह है डिक्शनरी में, शुक्रवार गुरुवार से पहले, मतलब शुक्रवार मतलब हो गया फ्राइडे, गुरुवार मतलब हो गया थर्सडे। डिक्शनरी में देखेंगे तो फ्राइडे आएगा थर्सडे से पहले। अब ये बताओ जेल को हवालात क्यों कहा जाता है हिंदी में। क्योंकि वहाँ हवा और लात दोनों मिलती है, इसलिए हवालात बोलते हैं जेल को। 17वीं पहेली कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता। वह है मर्रा हुआ परिंदा। अगली पहेली है बसंत ने मुझे मुक्का मारा, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे। बसंत पंचमी। 19वीं पहेली तीन मुर्गियां 3 दिन में अगर 3 अंडे देती है तो 300 मुर्गियां 300 दिन में कितने अंडे देगी। सर जावेद 30,000 अंडे। बताता हूँ कैसे, अगर 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे दे रही है तो 3 मुर्गियां 300 दिन में 300 अंडे देगी, पर मुर्गियां यहाँ 300 हो गई मतलब 100 गुना, तो 300 × 100 = 30,000। 20वीं और आखिरी पहेली एकदम इंटरेस्टिंग, पत्नी हमेशा अपने पति के बाएं ओर ही क्यों सोती है, क्या रीजन है इसके पीछे। ये कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है कि पत्नी अपने पति के बाएं ओर मतलब लेफ्ट साइड ही सोए, राइट साइड भी सो सकती है, पर पूर्व काल में ये माना जाता था कि पुरुष का दायां हाथ जिससे हथियार चलाया जाता था वो फ्री रहे, इसलिए पत्नी उसके बाएं ओर सोए। और कानून व्यवस्था नहीं होती थी पहले के ज़माने में, तो आदमी को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती थी। हो सकता है कि पति और पत्नी दोनों की सुरक्षा के लिए ये नियम बनाया गया हो। बाकी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। और हमारी पहली ई बुक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ओनली 30 रुपये की ही अभी आपको ये मिल रही है, जल्दी से जाइए और ख़रीदिए और लुत्फ़ उठाइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।